बात बिल्कुल सही है कि इवेंट क्रिएट करने में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम का कोई सानी नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के टीम में ऐसा लगता है कि कोई अनाड़ी आ गया है, कि बार बार ऐसे ब्लंडर्स हो रहे हैं जिस पर लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कल संसद में जब पहुंचे तो उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। हर कोई पीएम के हाथ में ये फाइल थी, इस फाइल के अंदर क्या था, इस फोल्डर के अंदर क्या था, यही सवाल खड़ा कर रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि पीएम ने जो ये हाथ में फोल्डर पकड़ा हुआ था, दरअसल ये तो पीआर गिमिक था और ये फोल्डर खाली था, इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं। और एक शख्स ने नहीं, ऐसे कितने लोगों ने ये बात बोली है। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने इस एनवेलप को दिखाते हुए फोटो शेयर की। अमोक नाम के यूजर ने भी इसी फाइल को बार बार जूम इन करके लोगों को बताया और दिखलाया कि क्या ये पीएम की पीआर मशीनरी थी जो फेल कर गई। वहीं एक्टर प्रकाश राज ने पीएम मोदी की इस तस्वीर को लेकर कहा, 2014 से रोज का क्विज, मुझे बताओ खाली क्या है, फोल्डर जो वो हाथ में लेकर जा रहे हैं, दूसरा हाथ जो जेब में है, या फिर दिमाग? यही नहीं, कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत तक ने प्रधानमंत्री मोदी की इस फाइल का, इस फोल्डर का जिक्र करते हुए कहा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अरे रे रे रे, यहां तो भैया फाइल ही खाली है। इसके अलावा नरूदर नाम के यूजर ने लिखा, भारत की आजादी में आरएसएस के योगदान के डॉक्यूमेंट कैरी करते हुए मोदी जी। तो कुछ इस तरह से पीएम मोदी को ट्रोल किया जा रहा है इस एक फोटो के लिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये फोल्डर खाली था, किसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट था, और ये मुद्दा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही छोटी सी बात है। अगर वो फोल्डर खाली भी था, वो फाइल खाली भी थी, तो भी ये मुद्दा नहीं है ट्रोलिंग का। लेकिन आप ये देखिए कि इतनी छोटी सी बात को लेकर पीएम मोदी को ट्रोल किया जा रहा है। ये बात इस बात की तस्दीक करती है कि एक वक्त में जिस ट्रोलिंग का सामना केवल विपक्ष के नेताओं को करना पड़ता था, अब वैसे ही ट्रोलिंग का सामना पीएम मोदी को भी करना पड़ रहा है। तो क्या आप ये मानेंगे कि ये पीएम मोदी को लेकर जो बदलती हवा का रुख है उस ओर इशारा कर रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।